Hello children, good morning. I am Sabha Afroz. It is your activity class. Today we will make rainbow with paper. Okay, there is 7 colors in the rainbow. इसके लिए मुझे 7 color का paper लेना है. Fevicol, scissor, white paper, stapler. Okay. First we will take red paper, then orange, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड पर्पल. अब मुझे इसे लंबा लंबा स्टिक काट लेना है. सबसे पहले इसको बड़ा लाइंस देकर कटिंग करना है मुझे. इसको हम यहाँ पे लाइन दे देंगे और इसको कटिंग करके निकाल देंगे. ओके, इक्वल साइज में कटिंग करना है मुझे. लाइन देके कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा शेप एक ही शेप में आएगा. ओके, मैंने काट लिया है. और फिर ऑरेंज मुझे इससे छोटा कटिंग करना है. ठीक है, इससे छोटा करना है और इससे हम छोटा यहाँ पे लाइन दे देंगे. ठीक है, और फिर इसको हम साइज में नाप देंगे. फिर ऑरेंज पेपर, फिर उससे छोटा मुझे येलो पेपर लेना है. साइज में नाप के उससे छोटा मुझे कटिंग करना है. फिर वहां पे मुझे लाइन दे देना है यहाँ पे और उसको कटिंग करना है. इस तरह से हम सारे स्ट्रिप्स को लंबा लंबा कटिंग करके निकाल लेंगे. से हम ऐसे सारे लाइंस देकर काटेंगे तो एक भी छोटा बड़ा ऐसे नहीं होगा. उससे छोटा इस तरह से कटा जाएगा. देखिए मैंने निकाल लिया. फिर उससे छोटा मुझे ऑरेंज निकालना है. इतना ही निकालना है तो उस तरह से हम लाइन दे देंगे. ओके, दिस ऑल्सो विल बी कट. इससे छोटा मैंने ऑरेंज काटा है. अब उससे छोटा मुझे ग्रीन. इसी तरह से उससे छोटा छोटा पेपर, उससे छोटा तरह से काट लेना. ओके ओके, इस तरह से मैंने सारे स्ट्रिप्स को लंबा लंबा काट लिया है. ठीक है, सबसे पहले रेड लिया है, फिर ऑरेंज, इस तरह से येलो, इस तरह से मैंने सारे लाइंस को लिए और उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा इस तरह से मैंने काट लिया. और सभी को मुझे इक्वल साइज में अरेंज कर लेना. ठीक है, पहले रेड लेना है, फिर ऑरेंज लेना है इसके ऊपर. ठीक है, फिर येलो लेना है. इक्वल साइज में ऐसे अरेंज करना है मुझे. फिर ग्रीन लेना है. ब्लू लेना है, फिर इंडिगो एंड वायलेट. ओके, लाइक दिस वी विल अरेंज दिस पेपर. अब मुझे यहां पे स्टेपलर लगाना है. अब इसको मुझे अरेंज करना है. ठीक है, इस तरह से मुझे अरेंज करना है. ओके, बस लाइक दिस वी विल अरेंज दिस पेपर. इस तरह से हम अरेंज करते जाएंगे. येलो पेपर इसे राउंड शेप में आना चाहिए.
After that, we will take green like this. After that, we will take this blue. After that, we will take this indigo. After that, violet. Like this. अब इसको अरेंज करके मुझे इस तरह से अरेंज करना है और यहाँ पे स्टेपलर लगाना है। ओके, दिस कंप्लीटेड। नाउ इसको हम यहाँ रख देते हैं। सो व्हाइट शीट का हम इसको फोल्ड करके राउंड शेप देके मुझे कटिंग करके क्लाउड बनाना है। इस तरह से मैंने कटिंग करके राउंड शेप देके दो क्लाउड निकाल लिए हैं और इसमें मुझे ऐसे रेनबो में पेस्ट करना है इस तरह से। ओके, दिस साइड ऑल्सो वी विल पेस्ट। ओके, एंड हियर यू कैन मेक आईज एंड माउथ ऑल्सो द क्लाउड। इसी मार्कर से हम इसका आईज बना लेंगे। ओके, दिस माउथ एंड हियर ऑल्सो। Like this, our beautiful rainbow is completed, children. Please must see this video. Thank you. Bye bye.